तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आज अगर हम देखें तो बुरी तरह से पिटाई मार्केट में लगातार दूसरे दिन हमें होती हुई देखने को मिली है वन पॉइंट फोर नाइन परसेंट की गिरावट जो है आज के दिन हमें निफ्टी फिफ्टी में देखने को मिली है काफ़ी बड़ी ये गिरावट है लगातार दूसरे दिन हमें जो है निफ्टी फिफ्टी का एंडाइसिस या कहीं पूरा ही मार्केट जो है क्रैश होते हुए देखने को मिला है सेंसेक्स की बात करें सेंसेक्स भी लगभग डेढ़ परसेंट के आसपास की मंदी सेंसेक्स में देखी गई है और जैसा निफ्टी फिफ्टी में देखने को मिला है इसमें भी क्रैश जो है हमें आज के दिन सेंसेक्स में भी देखने को मिला है निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आज के दिन सबसे ज़्यादा गिरा है इंडाइसिस की बात करें सवा दो परसेंट की मंदी जो है निफ्टी बैंक में आज के दिन देखी गई है तो आ, मंदी के पीछे की वजह क्या रही है मंदी के पीछे की वजह अगर हम आ, देखें डीपली जाएँ तो आप सभी लोगों को पता होगा सिलिकॉन वैली बैंक जो कि यूएस में ऑपरेट कर चुका था अक, मतलब कर रहा था उसका जो है कलेप्स अभी के समय में हो चुका है यानी कि वो बैंक जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है कहीं ना कहीं पैनिक मार्केट में देखने को मिला है उसका इम्पैक्ट हमें फ्राइडे के दिन भी देखने को मिला था यूएस की मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई थी और जो ग्लोबल डेटा था पूरी तरह से जो इंस्टेंट थी मार्केट की वो आज के दिन हमें खोता हुआ देखने को मिली है साथ ही दूसरी जो वजह थी दोस्तों आज के दिन जो महंगाई की रेट है उसका डेटा जो है सरकार को देना था और यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि जो महंगाई की दर है सिक्स पॉइंट फोर परसेंट के आसपास देखने को मिल रही है फरवरी दो हजार तेईस के महीने में अगर हम जनवरी के महीने से कंपेरिजन करें तो वहाँ से थोड़ी सी यानी कि पॉइंट वन टू परसेंट की गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है सॉरी वन टू नई पॉइंट एट परसेंट की गिरावट जो है हमें देखने को मिल रही है क्योंकि एक्चुअल डाटा सिक्स पॉइंट फोर फोर का हमें जो है फरवरी दो हज़ार तेईस में देखने को मिल रहा है यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा जो कंडीशन है ठीक हुई है लेकिन जो आर की गाइडलाइंस है आर की गाइडलाइंस ये कहती है कि जो महंगाई है वो दो से छः प्रतिशत के बीच में होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं अभी जो महंगाई की दर है वो अंडर कंट्रोल नहीं आई है और ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ ने भी पैनिक जो है मार्केट में क्रिएट अभी के समय में किया है यहाँ पे जो फोरकास्ट रखा गया था सिक्स पॉइंट थ्री फाइव का रखा गया था महंगाई दर के बारे में तो उस हिसाब से भी परफॉर्मेंस यानी कि जो रेट है उसका परफॉर्मेंस उस हिसाब से भी सही नहीं रहा है जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं जिसकी वजह से जो है पैनिक हमें देखने को मिला है नंबर्स तो दोस्तों ये मार्केट के बंद होने के बाद आए हैं लेकिन इसी न्यूज पे कि इंफ्लामेशन डेटा आज के दिन आने वाला है जैसे कि किसी कंपनी के नंबर्स जब आने होते हैं तो नंबर्स शाम को आते हैं लेकिन पूरे दिन जो है स्टॉक पाँच परसेंट दस परसेंट पिट पिटा रहता है कहीं ना कहीं जो है मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि नंबर्स जो है ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं सिक्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी जो है अंडर कंट्रोल उसको नहीं कह सकते क्योंकि अंडर कंट्रोल कितना है दो से छः परसेंट के अगर बीच में है तो अंडर कंट्रोल है कहीं ना कहीं छः के बाहर नंबर जाता हुआ मैं दिख दिख रहा था उस वजह से जो है मार्केट में पैनिक जो है हमें देखने को मिला तो सिलिकॉन वैली बैंक की आगे हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों यूएस में ऑपरेट करता है बैंक सॉरी करता था अभी तो पूरी तरह शट डाउन हो चुका है और इसका काम ये था कि जो भी स्टार्टअप से या जो भी आ, मान लीजिए कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहा है तो नॉर्मल जो बैंक होते थे इस कंपनी मतलब ऐसी कंपनियों को लोन नहीं देते थे जैसे कोई स्टार्टअप है स्टार्टअप वगैरह शुरू करता है तो उन कंपनियों को लोन नहीं देते थे तो ये बैंक क्या करता था ये जो भी स्टार्टअप होते हैं जो भी स्टार्टअप होते हैं उनको जो है ये लोन प्रोवाइड कराता था और वहाँ पे जो है इसका जो मेन काम था इसी तरह का था जो भी स्टार्टअप कंपनियाँ होती थी तो पिछले कुछ समय में अगर हम देखें या टेक कंपनियों को ही देखें जो टेक स्टार्टअप कंपनियां हैं या और जो दूसरी स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको देखें तो उनकी परफॉर्मेंस जो है हमें अच्छी देखने को मिल रही थी लेकिन 2021 के बाद से देखें तो जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां हैं स्टार्टअप कंपनियों के चार्ट जो है हमें इस तरह के देखने को मिल रहे हैं अभी के समय में सारे के सारे फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ पेटीएम भी जो है इस बैंक में जो है अपना फ़ंड जमा करता था और शायद मेरे ख़्याल से वहाँ पे इन्होंने जो है कुछ बोरोइंग भी ली होगी कुछ फंड भी लिया होगा और साथ में जो है तो बैंक ऑपरेट कैसे करता था बैंक जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता था स्टार्टअप कंपनियों को और साथ में जो स्टार्टअप कंपनियाँ होती थी उनका जब कैश जनरेट होता था या उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता था तो वो वापस जो है यहाँ पे इस बैंक में जो है अपना जमा कर देते थे इस बैंक के साथ दोस्तों दिक्कत क्या हुई दिक्कत ये हुई इन्होंने जो है अट्ठारह उन्नीस के आसपास काफ़ी ज़्यादा जो है बॉन्ड खरीद के खरीद लिए यानी जो अभी के समय में कंपनी के पास डिपॉजिट है वन पॉइंट सेवन जो है विलियन डॉलर का जो है हमें इनका अभी के समय में देखने को मिलता है तो इसमें से इन्होंने क्या किया वन पॉइंट टू उस समय पे क्या नंबर रहेंगे वन पॉइंट टू एट बिलियन डॉलर के जो है बॉन्ड खरीद के वहाँ पे डाल लिए और बॉन्ड में क्या था अभी के समय में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है लेकिन उस समय में क्या था तीन से चार परसेंट तक का ही इंटरेस्ट जो है इनको उस समय में मिल रहा था और जो अभी भी जो है उनको इनको इतना ही इंटरेस्ट जो बॉन्ड है उन पर मिल रहा है क्योंकि आप अगर जब वो बॉन्ड खरीद लेते हैं पाँच साल दस साल पंद्रह साल या बीस साल जितने भी उसकी एज होती है आपने एक बार जो फिक्स वैल्यू उसकी निर्धारित हो गई उतना ही आपको जो है इंटरेस्ट वहाँ पे मिलेगा तो मेन दिक्कत क्या हुई मेन दिक्कत जो है बैंक के साथ ये हुई है यहाँ पे जैसे मैंने बताया 307 बिलियन डॉलर के इनके पास एसेट थे साथ ही डिपॉजिट की अगर बात करें तो डिपॉजिट इनके पास एक बिलियन डॉलर के एक बिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिल रहे थे कैलैप्स होने से पहले की बात करें तो इनके पास 209 बिलियन डॉलर के हमें जो है एसेट्स देखने को नजर आ रहे थे कंपनी के पास उसके अलावा अगर डिपॉजिट की बात करें तो एक बिलियन डॉलर का जो है इनके पास डिपॉजिट अभी के समय में देखने को मिल रहा था तो दोस्तों जैसा कि बैंक पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है तो अभी के समय में जो इन्वेस्टर्स का पैसा है यानी कि एक बिलियन डॉलर जो पैसा है उसका क्या होगा तो यहाँ पे दोस्तों एक इंश्योरेंस टाइप की एक चीज़ होती है इंडियन रुपीस में बात करूँ तो अगर मान लीजिए आपका दो करोड़ रुपया जो है इस बैंक में जमा था तो आपको इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग पूरा दो करोड़ रुपया जो है आपका पूरे का पूरा मिल जाएगा लेकिन अगर आपका चार करोड़ जो है रुपया इसमें जमा था तो वहाँ पर भी आपको जो है सिर्फ दो करोड़ जो है वापस मिलेगा यानी कि आपका कितना भी पैसा जमा हो अगर वो दो करोड़ से ऊपर कितना भी हो बीस करोड़ पचास करोड़ सौ करोड़ आपको सिर्फ जो है दो करोड़ वापस मिलेगा अगर दो करोड़ से नीचे है तो आपका सारा पैसा जो है आपको वापस मिल जाएगा